सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर लगे आरोपों वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ये गंभीर मामले हैं, मुझे इनके विवरण की जानकारी नहीं है। ऐसे किसी भी आरोप का संतोषजनक उत्तर दिया जाना चाहिए या इसकी जांच की जानी चाहिए। इन बातों को यहीं लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता है और ना ही हमारी व्यवस्था की अखंडता पर संदेह किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि या तो आरोपी लोगों द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाए या फिर जांच होनी चाहिए। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायनाड यात्रा पर उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री ने वहां इतना समय बिताया और मुझे उम्मीद है कि लोगों को सहायता मिलेगी, पीड़ितों को सरकार से कुछ मदद की जरूरत है। सीरियस मैटर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द डिटेल्स, बट आई थिंक ऑब्वियसली एनी सच एलिगेशंस मस्ट बी आंसर्ड सैटिस्फैक्टरीली और इन्वेस्टिगेटेड। कांट लीव दीस थिंग्स हैंगिंग आउट देयर एंड कास्टिंग अ क्लाउड ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ आवर सिस्टम। So it's important that either a satisfactory explanation is given by the people accused or there should be an investigation. I said better late than never. I'm glad the Prime Minister spent so much time there and I hope that the consequences will be more assistance for the people. It's a very tragic situation. I was there last weekend and it was a very, very painful matter looking at the devastation caused by the landslides as well as the pain and suffering of the people. I met them in the relief camps in the hospital, just as the PM also did. And I think it's important to see that human beings who are the victims of nature's fury like this need some help from the government.